नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू प्रोग्राम में। हमारे आसपास हजारों लाखों की भीड़ रोज़ दौड़ती रहती है। उन्हें नहीं पता कि वे क्यों दौड़ रहे हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। जिन्हें पता है उनमें से ज़्यादातर के हौसले बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं। वे तब तक नहीं रुकते, तब तक नहीं थमते जब तक उन्हें उनकी मंजिल मिल न जाए। हमारे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसे ही जिद्दी इंसान हैं, निशांत जैन। 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में 13वां रैंक हासिल किया है आपने, और निशांत जैन हिंदी माध्यम से 2014 की परीक्षा में टॉपर भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निशांत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन निशांत से बातचीत के पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जो हमारी टीम ने खास तौर पर तैयार किया है। हौसलों की उड़ान यूं ही नहीं भरी जाती, कामयाबी की इबारत कोई ऐसे ही नहीं लिख देता। ऐसा नहीं होता कि कोई यूं ही तप कर सोना बन जाए। हालात से दो दो हाथ करने का फौलादी जज्बा और पहाड़ जैसा धीरज हो तो हर कहानी कामयाब बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है निशांत जैन की। मेरठ के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे निशांत ने बचपन में ही कुछ बड़ा कर दिखाने का ख्वाब बुना था। जिस उम्र में बच्चे दोस्तों के साथ खेलने में समय बिताया करते हैं, उसी उम्र में निशांत ने किताबों से गहरी दोस्ती कर ली। समय जैसे जैसे गुजरता गया, अलमारी में रखे मेडल्स की तादाद वैसे वैसे बढ़ती गई। एंकरिंग, कविता लिखने, डिबेट करने से लेकर मैगजीन और अखबारों में आर्टिकल लिखने तक हर काम में निशांत ने खुद को साबित किया। सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़कर निशांत खुद को कुछ इस कदर तराशते रहे मानो मुकाम हासिल करने की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हों। निशान ने क्योंकि थ्रू आउट हमेशा फर्स्ट क्लास रहा, हाई स्कूल हुआ, इंटरमीडिएट रहा, मतलब ये नहीं कह सकता कि कोई ये कुछ सालों की मेहनत का परिणाम था ये, बल्कि मतलब एक सतत साधना थी जो कि बचपन से ही वो लगातार कर रहा था। एमए तक की पढ़ाई मेरठ में पूरी करने के बाद निशांत ने 2012 में दिल्ली का रुख किया। वक्त के साथ तालमेल बैठाने की आदत पुरानी थी, इसलिए जरूरत पड़ी तो पार्ट टाइम जॉब करने से भी गुरेज नहीं किया। यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में जब पीटी की परीक्षा भी पास नहीं कर सके तो हताशा ने तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस बीच लोकसभा सचिवालय में हिंदी सहायक के पद पर नियुक्ति मिली और अगले ही साल यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में हिंदी टॉपर का जो नाम दर्ज हुआ वो था निशांत जैन। जब इनका रिजल्ट आया तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही भावुक पल था, और अगर कहें तो उस खुशी को हम आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। भैया यहीं थे मेरठ में, मैंने भी छुट्टी ले रखी थी उस दिन, मम्मी जी थी, सब जने थे, और बस रिजल्ट आते ही एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही कहते ना खुशी के आंसू ही बस रहते रहे। आईएएस निशांत जैन की कहानी हिंदी माध्यम के उन तमाम बच्चों के लिए एक नजीर है जो कम खर्च और सीमित संसाधनों में अपने सपनों को पूरा करने की कवायद में जुटे हैं, क्योंकि इस कहानी का हीरो उन लोगों में शामिल है जिनकी तैयारी नहीं कामयाबी ने शोर मचाया। तो इस शानदार वीडियो को देखने के बाद चलिए बातचीत शुरू करते हैं निशांत जैन से। कामयाबी के इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई, कब लगा आपको कि सबसे बड़े टारगेट पर हिट करना है? ऐसे तो बचपन में बहुत सारे ख्वाब हम देखते हैं, तो बचपन में कभी मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था तो कभी सोचता था कि भाई ये
जब पढ़ते थे, नागरिक शास्त्र पढ़ते थे या कभी राशन की दुकान पर राशन लेने जाते थे, तो कभी सोचते थे कि अधिकारी शब्द कई जगह यूज़ होता था। और मैं बहुत जल्दी थोड़ा अखबार पढ़ने लग गया था, तो वहाँ बार बार पढ़ते थे कि उन्होंने निरीक्षण किया, ये कमी पाई। तो मुझे लगता था कि मतलब ये अधिकारी क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। तो तभी से एक हल्का सा एक फैंटेसी कह दो, एक अजीब सी इच्छा थी मन में। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा बड़े हुए तब समझ में आया कि इसके लिए परीक्षा देनी होती है। तो कहीं 11वीं 12वीं में जाके सोचा था कि भाई मैं भी ये परीक्षा दूंगा। लेकिन बाद में जब ग्रेजुएशन की, फिर समझ में आया कि भाई इसके लिए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना होता है, GS भी तैयार करना होता है। तो थोड़ा रुझान था क्योंकि सामान्य ज्ञान में मेरी एक थोड़ी रुचि थी, तो उसका फ़ायदा मिला। पर बाकी आगे जीवन के कुछ संघर्ष भी रहे, तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये निर्णय हुआ कि भाई परीक्षा तो देने का एक ख्वाब मन में था ही, पर परिस्थितियों के हिसाब से जब सही समय आया था शायद तभी मैं परीक्षा दे पाया। अब तो आप अधिकारी बन चुके हैं, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब क्या बदलाव महसूस करते हैं पहले में और अब में? बदलाव तो एज ए ह्यूमन बीइंग तो मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे सकारात्मक बदलाव जो मैं महसूस करता हूँ, या मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं मुझे इतना महसूस नहीं होते जितना मेरे परिवार वालों को या जो लोगों से मैं हम डील करते हैं उनको, जो बाहर से देख रहे हैं वो ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो ये कि एक तो ट्रेनिंग कुछ इस तरह की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक प्रक्रिया है ट्रेनिंग की, कि जीवन के हर क्षेत्र का थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन कोर्स है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या भारत दर्शन है या फिर दिल्ली में, तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक तो सेंसिटाइजेशन होता है, सेंसिटाइजेशन भारत की संस्कृति को लेकर भी, दुनिया के एक्सपोजर को लेकर भी, और प्रशासन की बारीकियों को लेकर भी, नियम कायदों को लेकर भी। तो उससे कहीं ना कहीं एक तो दृष्टि, हालांकि UPSC की परीक्षा ही अपने आप में बहुत व्यापक होती है, लेकिन उससे भी बियॉन्ड हम थोड़ा प्रशासन के नज़रिए से उन चीज़ों को जब देखते हैं तो वो बदलाव आते हैं हमारे अंदर, और थोड़ा सा परिपक्वता तो आती ही है, पेशेंस बढ़ जाता है, धैर्य हमारे अंदर थोड़ा बढ़ जाता है, और लोगों से डील करते करते कुछ थोड़ा सा सही क्या है गलत क्या है वो जो विवेक होता है शायद उसको परखने की क्षमता ट्रेनिंग हमें बढ़ाती है। IAS बनने से पहले भारत दर्शन को लेकर काफ़ी बातचीत होती है कि IAS बनने के बाद भारत दर्शन करने को मिलता है, आपका अपना अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत दर्शन के बारे में पहले भी हम लोग भी यही सोचा करते थे कि ये कोई टूर होता है जिसमें साइट सीइंग करनी होती है, महाबलेश्वर और ये आसाम के चाय के बागान देखने होते हैं। ऐसा ही नहीं होता। इनफैक्ट ये तो इसका एक छोटा सा पार्ट है। जब आप कहीं जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के स्मारकों को, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को या उनको भी देखेंगे। आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे, बिल्कुल। लेकिन इट्स मोर अबाउट कि जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है या जो भारत का विज्ञान में जो प्रगति है, औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति है, या भारत में जो ट्राइबल्स हैं या जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, या जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किस तरह से काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं, या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, NGOs किस तरह काम कर रहे हैं, उसका एक्सपोजर देने के लिए बहुत सारे अटैचमेंट्स कराए जाते हैं इसमें। तो उस तरह से एक कंप्रिहेंसिव पैकेज बन जाता है सीखने समझने का और साथ में आनंद का भी। आपने कॉमर्स से प्लस टू किया, फिर आपने BA में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी लिया, तो ये प्लानिंग किस तरह से बनी कि अलग अलग सब्जेक्ट पर कमांड करने की कोशिश थी या कुछ और प्लानिंग थी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी डेलिबरेटली नहीं किया गया। अच्छा। था यूँ हुआ कि भाई जैसे मेरे भैया ने भी कॉमर्स से 12th किया था तो मैंने भी कर लिया, फिर मुझे धीरे धीरे 12th करते करते 11th 12th के दौरान एहसास होने लगा था कि मेरा स्वाभाविक रुझान ह्यूमैनिटीज़ की ओर है, मानविकी विषयों की ओर है, जिसमें साहित्य, भाषाएं और इतिहास, राजनीति विज्ञान के जैसे विषय हैं। तो मैंने उस समय कड़ा निर्णय लिया जिसको उस समय पचा पाना सब लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेज़ी में BA करने का निर्णय लिया। जैसा कि कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि भाई मानविकी जो क्षेत्र है उसमें करियर की संभावनाएँ काफ़ी कम है, पर उस समय जो भी कहिए रिस्क लिया या मतलब मेरी रुचि कुछ ज़्यादा ही जग गई थी इसमें, तो मैंने इसमें BA किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मन बार बार मचलता था हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के लिए, तो फिर एक और निर्णय लिया कि भाई BA में हिंदी साहित्य नहीं था, फिर भी MA हिंदी में किया, NET JRF हिंदी में क्लियर किया, MPhil भी हिंदी में ही किया, और बाद में हिंदी माध्यम से IAS की परीक्षा दी और हिंदी साहित्य ही वैकल्पिक विषय लिया। बचपन से ही पढ़ने लिखने में हिंदी साहित्य का रुझान रहा या फिर MA में जाने के बाद या BA के बाद आपका रुझान बना कि हिंदी साहित्य में कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए? रुझान तो काफ़ी पहले से था। मैंने अपनी पहली कविता जो एक बाल कविता थी वो 8वीं कक्षा में लिखी थी। अच्छा। तो रुझान तो इस तरह का था मतलब पढ़ने का, और नंदन चंपक पढ़ के हम लोग बड़े हुए, बाद में कादंबिनी पढ़ने लग गए,
तो इस तरह से पढ़ने लिखने का रुझान तो हमेशा से था, लेकिन उसके बाद फिर उसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ने का विचार बीए के दौरान आया कि भाई क्यों ना इसमें इतनी रुचि जब है तो इसमें अकादमिक रूप से आगे कुछ किया जाए और सिविल सेवा परीक्षा में भी इसी को लेकर आगे बढ़ा जाए। वो पहली कविता जो आठवीं कक्षा में आपने लिखी थी, कुछ याद है उनके लाइन्स? नहीं याद तो थोड़ा है, लेकिन उसको सुनने के लिए थोड़ा बच्चा बनना होगा तभी, क्योंकि तो बाल कविता बन जाएंगे हम लोग तो वो कुछ इस तरह थी कि पहली बारिश की चुन्नू मुन्नू देखो आई, मौसम की पहली बरसात, गर्मी से राहत देने को लाई ठंडक का एहसास, और छतरी रेन कोट लेकर यह प्यारा सा मौसम आया, गर्म पकौड़ी खाने को है मन सबका ललचाया, और टप टप बूंदे टपके जैसे गिरते हों सच्चे मोती, मानसून की ये बहार है लाई खुशियों की धाती। शानदार। मतलब बचपन में जो आपकी लिखी हुई कविता है वो बचपन वाली लग नहीं रही है इसीलिए तो संपादक जी ने रिजेक्ट कर दी थी जब मैंने उसको भेजा, चार पांच बार भेजा कॉलम शुरू हुआ था बच्चा पार्टी के नाम से कि कोई भी बच्चे अपनी क्रिएशंस भेज सकते हैं या कोई उन्होंने कविता लिखी हो, कोई ड्राइंग बनाई हो, तो मैंने अपनी कविता भेज दी तो उन्होंने चारों बार रिजेक्ट कर दी। फिर मैंने, मेरी एक दीदी थी वो उनके में से किसी को जानती थी, किसी पत्रकार को, तो मैंने जब उनके घर गया तो मैंने कहा दीदी देखना मैंने कविता भेजी और वो हर बार वो छापते ही नहीं है, तो उन्होंने जब पता किया तो उन्होंने कहा हम तो ये सोच के रिजेक्ट कर रहे थे कि इसने खुद नहीं लिखी हुई कहीं से बचपन से ही आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पढ़ने लिखने में वो बहुत शानदार रहा है और टॉपर रहे हैं आप, तो कभी कोई ऐसा स्टेज आया जब आपको लगा हो कि यार पढ़ाई लिखाई गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ट्रैक पर जा रहा हूँ मैं? नहीं, ऐसा तो एज सच नहीं लगा, और कई बार तो ऐसा होता है अगर आप गड़बड़ ट्रैक पर जा भी रहे होते हो आपको खुद कहाँ पता चलता है। तो इतना ज़रूर है कि जब पहली बार मैंने सिविल सेवा परीक्षा का प्रयास दिया, जो खुद में काफ़ी लेट था, मुझे लगता था कि जब पूरी तैयारी हो जाएगी तभी दूंगा, हाँ। तो इस चक्कर में मैं लेट करता गया, जब पहली बार दिया तो थोड़ा दबाव भी था और ये भी था कि चूंकि अभी तक सब जगह हम तो टॉप ही करते आए हैं तो इसमें भी क्लियर तो हो ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहली बार में ही असफल हो गए आईएएस में भी और पीसीएस में भी, तो उस समय थोड़ा सा लगा कुछ एक दो महीनों के लिए कि ट्रैक से थोड़ा उतर गए हैं, क्योंकि थोड़ा उसका तनाव हावी होने लगा था, तो थैंक्स टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स की उन्होंने मुझे उससे उभरने में मदद की। आपके कई इंटरव्यूज़ में मैंने देखे कि फिलॉसफी में भी आपका इंटरेस्ट रहा, एक और सब्जेक्ट जी, तो हिंदी साहित्य और पीछे इतने सारे सब्जेक्ट्स का आपका ट्रैक रिकॉर्ड, फिर फिलॉसफी में कैसे रुझान बन गया? फिलॉसफी, पहली बात तो कोई बहुत अलग विषय नहीं है, फिलॉसफी कहा जाता है कि फिलॉसफी इज़ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, तो मुझे तो फिलॉसफी का एक्सपोजर नहीं था पर उसमें रुचि पहले से थी, ये तो यहाँ आके पता चला कि फिलॉसफी भी एक अलग विषय होता है। अब जैसे आप देखें हिंदी साहित्य मेरा वैकल्पिक विषय था, लेकिन साहित्य का भी तो एक दर्शन होता है, भाषा का भी दर्शन होता है, यानी हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, मैं आज कुछ भी आपसे कह रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी फिलॉसफी काम कर रही है। तो फिर मैंने जब एक बार थोड़ा सा भारतीय दर्शन को और पाश्चात्य दर्शन को पढ़ा और सामाजिक राजनीतिक दर्शन को पढ़ा, तब समझ में आया कि हाँ भाई जो जितनी भी प्रथाएं समाज में चल रही हैं उनके पीछे क्या दर्शन काम कर रहा है, तो इस तरह से दर्शन में रुचि थोड़ी बढ़ती चली गई। फिलॉसफी में जो आपकी रुचि है वो तो एकेडमिकली आपने बता दी, हमारे सोसाइटी में कई बार हम लोग सुनते हैं, अपने दोस्तों के बीच सुनते हैं कि यार फिलॉसफी मत झाड़ो गुरु तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, ये तो एक मुहावरा एक तरह का, जब कि भाई जैसे हम कहते हैं ना कि ज़्यादा ज्ञान मत दे भाई तो उसी तरह से हम कह देते हैं कि भाई ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, तो थैंकफुली मेरे दोस्त देवर काइंड एनफ टू मी कि उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। पार्ट टाइम जॉब्स आपको शुरू के दिनों में करनी पड़ी, तो ये फैसला कैसे लिया आपने, क्या कोई प्रॉब्लम या फिर शुरू से आपका मिजाज ऐसा था कि अपने बूते कुछ करना है? मतलब ऐसा कोई नहीं था कि केवल चैलेंज को एक्सेप्ट करके ही पार्ट टाइम जॉब शुरू की, कुछ ज़रूरतें थी और स्वावलंबन की ज़रूरत थी मुझे, तो इस वजह से भी मैंने शुरू की। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल किताबों की जब छपती हैं किताबें तो उससे पहले उनकी प्रूफ रीडिंग होती है, हाँ। तो मैंने प्रूफ रीडिंग से पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, तो वो एक हॉबी भी है, वो थोड़ा सा आपको पे भी कर रहा है और साथ में दुनिया भर की नॉलेज भी मिल रही है। अब जब आप कोई किताब पढ़ेंगे तो उससे कुछ ना कुछ आपको ज्ञान हासिल होगा ही, तो उसी तरह से एक वो होता है ना कि कम्प्रीहेंसिव नॉलेज मिलने लग जाती है आपको, तो कम उम्र में वो होने से मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ पार्ट टाइम नौकरियों से। जब एकेडमी के गेट पर पहुंचे आप तो फर्स्ट रिएक्शन क्या, मन में क्या आया? एकेडमी के गेट पर पहुंचना अपने आप में भाव विभोर कर देने वाला क्षण होता है और मेरे लिए भी था। इसमें तो मैं यही कहूँगा कि व्हेन द ड्रीम कम्स ट्रू, तो आप उस समय जो भी आपके साथ घट रहा होता है, यानी आप किसके साथ गेट तक पहुँचे, वो भी आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। एकेडमी गेट में घुसते ही पहली बार कौन मिला, मुझे अभी भी वो अपना बैचमेट याद है, और अभी भी जब हम कभी बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई सबसे पहले हम ही लोग मिले थे आपस में। आपकी किताब में मैं पढ़ रहा था,
ट्रेनिंग की ही बात है कि आइस ब्रेकिंग शब्द था, आम लोग तो जानेंगे नहीं इसको, ये आइस ब्रेकिंग पार्ट सर्विस का क्या है? नहीं नहीं, सर्विस का कोई पार्ट नहीं है, ये तो जब फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत होती है, जब पहला ही दिन ट्रेनिंग का होता है, तो कोशिश की जाती है कि आइस ब्रेकिंग के माध्यम से थोड़ी जमी हुई जो बर्फ़ है उसको तोड़ा जाए, पिघलाया जाए। अच्छा। यानी जैसे अब एक साथ जब 300-400 लोग एक साथ, एक सिविल सर्वेंट्स नए नए सेलेक्ट हुए वो पहुँचे, तो उनके बीच संवाद कैसे शुरू हो, तो उस संवाद को शुरू करने के लिए कुछ मनोरंजक तरीके से उनमें आइस ब्रेकिंग सेशंस कराए जाते हैं, कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं जिससे वो एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबल होते हैं, फिर दोस्ती और आपस में मिलना जुलना शुरू हो जाता है, जो एक बहुत ज़रूरी भी है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि एस्पिरिट डे कॉप्स होनी चाहिए, यानी आपस में मिलजुल कर काम करने की संघ भावना सिविल सेवकों में पैदा होनी चाहिए। आपको ट्रेनिंग के दौरान एक भाषा और सीखने का मौका मिला जी, तो आपने उर्दू चुना, ऑप्शन में आप कुछ और भी चुन सकते थे, ये फैसला क्यों? वो भाषा का एक प्रारंभिक ज्ञान होता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा तो नहीं सीखा जा सकता इतने कम समय में, क्योंकि 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स में एक भाषा को पूरी पकड़ हासिल नहीं की जा सकती, पर फिर भी उर्दू के प्रति एक खास किस्म का लगाव और नॉस्टैल्जिया शुरू से रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अगर आपको कविता में रुचि हो तो ऐसा संभव नहीं है आपकी उर्दू की शायरी में रुचि ना हो, तो उर्दू में मेरा काफ़ी खास रुझान था, तो मुझे लगा शायद उर्दू सीखते सीखते थोड़ा और आनंद आए, थोड़ा और मज़ा आए। गज़लें भी आप खूब सुनते हैं? जी जी जी। और गाते भी हैं? नहीं नहीं, गाता नहीं हूँ, केवल सुनता हूँ। कुछ तो गुनगुनाते रहे हैं आप, मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पर कुछ सुना देखा है तभी कह रहा हूँ। तो कौन सी सबसे पसंदीदा गज़ल है आपकी? वो एक ही है पिछले कई सालों से, और वो तभी से पसंदीदा ही चली आ रही है, जगजीत सिंह साहब की गज़ल है, झुकी झुकी सी नज़र करके एक गज़ल है। तो मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और इस गज़ल के अगर 2 लाइन आप सुनाएं। मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर आप मुझे सहन कर पाएँ तो मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। मैं तैयार हूँ बर्दाश्त करने के लिए, और इसका निर्णय तो श्रोताओं पर छोड़ दीजिए, उनसे भी यही उम्मीद है कि ये जज ना करें कि मैं अच्छा गाता हूँ खराब, क्योंकि मैं अच्छा गाता बिल्कुल नहीं हूँ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। क्या बात है। बचपन से आपके ऐसे कौन कौन से शौक रहे हैं जो आज भी आप जी पाते हैं? एक तो शौक पढ़ना और लिखने का, जो भी महसूस किया, जो भी मेरे आसपास घटा उसमें क्या मैंने फील किया उसको कागज़ पे उतारने का एक शौक रहा है पहले से। इसके अलावा थोड़ा कविताएं बोलने का, एंकरिंग का, मतलब एक पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा शौक रहा मुझे हमेशा से। डिबेटिंग की कॉलेज में, तो उस समय काफ़ी अच्छा हम लोगों ने देश भर में गए और डिबेट वगैरह में भाग लिया। निबंध लेखन किया, क्विज़ वगैरह में काफ़ी पार्टिसिपेट किया। तो ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके एकेडमिक स्कोर इम्प्रूव ही करती हैं और आपके ओवरऑल स्किल्स को डेवलप करती हैं, तो उसमें हमने खूब मज़ा किया और खूब कॉलेज में हम लोग एक्टिव रहे। आप अब कुछ इन शौक में से कर पाते हैं पूरा, या अब तो समय की काफ़ी कमी हो गई आपके पास? लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि ये शौक अब आपकी पूरी नौकरी के निर्वाह में काम आते हैं, आपके दायित्वों के निर्वाह में हर रोज़ आपको मदद करते हैं। आप जब एक अधिकारी होते हो तो आपको लोगों से संवाद स्थापित करना होता है, आपसे मिलने लोग आते हैं, आपको उनसे इंटरेक्ट करना होता है, कभी कभी आपको संबोधित भी करना होता है, तो ऐसे में आपके लिखने और पढ़ने का जो कौशल है वो हमेशा काम आता है। फिल्में देखते हैं आप, फिल्मों में किस तरह का कंटेंट पसंद है आपको? फिल्में मैं देखता हूँ, फिल्में देखने का शौक़ पिछले दिनों थोड़ा डेवलप ही हुआ है, तो मुझे ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं थोड़ी देसीपन से भरपूर हों, थोड़ा रोमांटिक हों, थोड़ा इमोशनल हों, मतलब इस तरह की फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। या फिर किसी बायोपिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है कि किसी जैसे धोनी के ऊपर बनी पीछे एक बायोपिक, या पहले मैरीकॉम पे बनी थी, तो इस तरह की बायोपिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए अपने मन बनाया हो जो उस समय संभव नहीं हो, लेकिन आपको लगा हो कि यार एक बार IAS बन जाए तो इसको ज़रूर करेंगे? ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इस तरह तो नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का सपना था, क्योंकि ज़रूरतें भी बहुत सीमित थी, कोई बहुत ज़्यादा फैली हुई भी नहीं थी, तो ज़रूरतें पूरी होती गई और खुशी से, मतलब हंसते मुस्कुराते हुए हर माहौल में मस्ती से जीते हुए जीते गए, तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई खास अभाव रहा हो। और रही बात IAS बनने के बाद के जीवन की, तो मुझे लगता है उसमें भी जो मैं करना चाहता था वो उस पद तक मैं पहुँच पाया, और उम्मीद है कि जिन सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ा था उनको कर पाऊँगा आगे।
कोई शिकायत नहीं है कुल मिला के। लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट याद आता है जब चीज़ें बदल गई हों बिल्कुल पूरी तरह से, आपकी ज़िंदगी का फलसफा बदल गया हो, सोचने का तरीका बदल गया हो? ऐसे टर्निंग पॉइंट यूँ तो आते रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जब लगातार ज़िंदगी की राह में आगे बढ़ता जाता है, उतार चढ़ाव आते हैं और टर्निंग पॉइंट भी आते ही जाते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं ग्रेजुएशन के बाद कभी शायद मैं अपने जीवन में नॉर्मली चल रहा था आगे, तो मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, तो वो कभी कभी मेरी खबर लेते रहते थे कि भाई क्या चल रहा है निशांत आजकल। तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा, निशांत, उन्होंने मेरी टोटल स्थिति को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि निशांत आप, उन्होंने मुझे एक बल्ब का उदाहरण दिया कि जिस तरह एक बल्ब है अगर उसे छत पर यहाँ लटकाया जाए तो वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है, और अगर उसी बल्ब को यहाँ लटका दिया जाए तो वो कम क्षेत्र में रोशनी दे पाता है। तो उन्होंने कहा तुम वो बल्ब हो जिसको थोड़ा ऊपर लटकना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार ये सोचने का एक अलग ही तरीका है, क्यों ना हम जब हम सेवा करनी है तो क्यों ना बड़े क्षेत्र पर जाकर, बड़े स्कोप जहाँ पर हो वहाँ पर जाके काम किया जाए। परिवार में या दोस्त में या फिर पीछे जितने लोगों के बारे में आप पढ़ते रहे हैं उसमें से कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी आपके लिए? बिल्कुल, मैं थोड़ा शुरू से ही मतलब एक तो बुद्ध और महावीर से बहुत प्रभावित रहा, और विवेकानंद का दर्शन मुझे बहुत प्रभावित करता है, ख़ासतौर पर उनका जो आत्मविश्वास है जब वो कहते हैं कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ एंड वीकनेस इज़ डेथ, तो लगता है कि वाह क्या मतलब इस हद तक का आत्मविश्वास एक युवा में होना चाहिए, इसीलिए शायद युवाओं के आइकन भी बिल्कुल विवेकानंद बने। बिल्कुल। और रही बात वैसे इंस्पिरेशन की, तो जब मैं कॉलेज में स्कूल में पढ़ता था इनफैक्ट, तो मेरठ में एक जिलाधिकारी हुआ करते थे अवनीश अवस्थी सर, जो आईएएस ऑफिसर हैं यूपी के, तो तब मैं अखबार पढ़ा करता था जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं पढ़ता रहता था कि आज उन्होंने ये काम किया, आज उन्होंने ये अच्छा काम किया, ये अभियान चलाया या फिर ये निरीक्षण किया, तो मैं सोचता था, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहता था, शायद तभी वो जो सपना था ना कि मन में एक ख्वाब था आईएएस बनने का, तो वो उनको देखकर ज़्यादा उसमें ऊर्जा आई। अब आप खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो कभी अवनीश अवस्थी जी से मिलने का मौका मिला? जी, सौभाग्य से मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, और मैंने उन्हें सारी बात अपने मन की बताई कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे जब मैं छोटा था तो मैं आपके टीवी अखबार में पढ़ता था, तो उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरे मन की बात भी निकल गई। ज़िंदगी में आपको कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जब डिप्रेशन हो या फ्रस्ट्रेशन हो? छोटे मोटे फ्रस्ट्रेशन तो यूं ही लगे रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो पहले प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा का पहला प्रयास और आप एकदम उत्साह से लबरेज, और तब प्रारंभिक परीक्षा में असफल होना, तो वो एक झटका था मेरे लिए। वो भी तब जबकि ट्रैक रिकॉर्ड टॉपर का। हाँ, वो ज़्यादा समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि सब लोग टॉपर ही होते हैं अपने अपने मोहल्लों के। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद कुछ तनाव हावी हो रहा है, पर समहाउ आई कुड रिकवर। तो रिकवर करने के दौरान परिवार, दोस्त, इन लोगों ने बहुत मदद की, या आपका अपने से बाहर निकलने की उसमें आपकी जिजीविषा ने काम किया इस तरह की? जिजीविषा तो अपनी ही होती है, लेकिन जिजीविषा को पालने पोसने और संवारने में तो आपके आसपास वाले ही मदद करते हैं। उनको हम में जब हमसे ज़्यादा भरोसा होता है ना, तो अपने को भी लगता है कि शायद अपने में कुछ तो है जो ये लोग इतना भरोसा कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि रिश्ता तो निभाने में है, यानी अगर अपने हैं वो भी अगर रिश्ता ना निभाओ तो पराये से हो जाते हैं, और कई बार जिन्हें हम पराया कहते हैं जब उनसे रिश्ता निभाओ तो वो अपने से लगते हैं। तो इसलिए रिश्तों की बड़ी अहमियत मुझे लगती है हमेशा। कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं, और स्टूडेंट्स के बीच जैसा आप बता रहे हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन जी वो डाउन टाइम आता है जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, उनके लिए आप कुछ करना कहना चाहेंगे कि कैसे उभरें इस चीज़ से? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि बंद कमरे में बैठ के ही हम तैयारी करेंगे, तो उसमें क्या होता है, हम अपनी जो हॉबीज़ होती हैं, हॉबीज़ मतलब जिनसे करके आपको खुशी मिलती है, खाली वक्त में जो काम आप करना पसंद करते हैं, आप उनसे कटने लगते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं नहीं गाना नहीं सुनना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएएस का एग्ज़ाम ना क्लियर हो इस बार, है ना, या मूवी कभी नहीं देखनी, तो इस तरह का नहीं सोचें। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करें, बिल्कुल बोर्डम से बचें, और हो सके अगर आपको रुचि हो तो थोड़ा सा योग या प्राणायाम से भी काफ़ी फ़ायदा होता है, और लोगों से बात भी करें, ओपन अप योर माइंड, कभी कभी मन की बात जो है वो किसी से शेयर करें या किसी की बात सुने, तो उससे भी काफ़ी रिलैक्स होता है आपको। एक बड़ी प्रॉब्लम जो कंसिस्टेंसी की भी होती है, इसी रिगार्डिंग में बात करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है जी, आप कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में कितने माहिर थे? कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है शायद मैं ये बना पाया, और कभी कभी जब मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने ये परसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी निरंतरता जो है ये कैसे बनाई, तो मुझे लगता है कि चाहे मैं कहीं भी नौकरी करता रहा या मैं पढ़ाई करता रहा,
पर मैंने कभी एक सपना जो था IAS बनने का वो छोड़ा नहीं। तो मुझे लगता है कि जहाँ मैंने काम किया, काम बिल्कुल अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि मैंने अपने काम को प्रभावित किया अपने सपने की वजह से, लेकिन उस सपने को आँखों से ओझल नहीं होने दिया। अगर मैं पढ़ भी नहीं रहा होता तो भी मैं सोच मेरे मन में होता था कहीं बैक ऑफ द माइंड में कि हाँ यार देना तो है एग्ज़ाम और तैयारी भी करनी, तो थोड़ा थोड़ा वो करता रहा, तो उससे मैं कंसिस्टेंसी बनी रही मेरी, मोटिवेशन बना रहा। बीच में ऐसा भी दौर आया होगा जब लग रहा होगा कि पढ़ाई थोड़ी डिरेल हो गई है? बिल्कुल, बहुत बार ऐसे मौके आए और कई बार तो काफ़ी लंबे लंबे समय तक, छः छः महीने तक डिरेल हो गई पढ़ाई, ऐसा भी हुआ। छः छः महीने तक? जी, मतलब ऑफकोर्स की तैयारी की लगकर तैयारी करने वाली प्रक्रिया के दौरान तो नहीं, लेकिन उससे पहले जब पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आप थोड़ा कि भाई थोड़ा मैं करंट अफेयर्स पढ़ लूँ या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लूँ, तो उसमें कई बार डिरेलमेंट हो जाता था। कोई बात ऐसी आपको जिसमें लगता हो आप बेहद लापरवाह हैं? लापरवाह तो मुझे लगता है जैसे कि मैं योजना बहुत अच्छी बनाता हूँ और दिनचर्या जब मुझे बनानी होती है कि सुबह 7 बजे उठना, उसके बाद योग करना, फिर नहाना, ये वो, तो जब उसको एक प्लान करके बना तो बहुत अच्छे से बनाता हूँ मैं, लेकिन उसके कार्यान्वयन में मैं कई बार आलस या लापरवाही कर जाता हूँ, और ऐसा बार बार होता है, लेकिन बार बार फिर भी हम दोबारा फिर कोई नया रिजोल्यूशन ले लेते हैं। ये IAS बनने के पहले की बात बता रहे हैं या बाद वाली या दोनों में? ये तो दोनों में ही रहता है ना, लेकिन ये है कि फिर भी रिजोल्यूशन लेने से कुछ तो फ़ायदा होता है, मतलब अगर आप 100% भी उसको फॉलो नहीं कर पाए तो हो सकता है 50-60% ही कर लें। ज़िंदगी में आप एकदम खुली किताब की तरह हैं, लेकिन क्या इस किताब के कुछ बंद पन्ने ऐसे हैं जिनके बारे में आप बताना चाहें? कभी किसी पर क्रश रहा हो आपका? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, क्रश तो मतलब थोड़ा रहता ही है किसी दौर में। लेकिन क्या है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई की, और जैसे वो किसी शायर का शेर है ना कि आए न शायरी में हंसी लफ्ज प्यार के, अच्छा मसले खड़े हैं सामने ही रोज़गार के। बिल्कुल। तो इस चक्कर में कभी ज़्यादा बात आगे बढ़ नहीं पाई कुल मिला के। ये जब आप टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ते थे, देखते थे, तब टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे? सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू पढ़ता था, जब भी मैं कोई पत्रिका पढ़ता था कॉम्पिटिटिव, तो मैं सबसे पहले इंटरव्यू पढ़ता था, बहुत मज़ा आता था उसमें, क्योंकि कई बार हम जब टॉपर का इंटरव्यू पढ़ते हैं तो उसमें खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसमें एक सवाल सब उनसे पूछते थे कि भाई जो आपने मुझसे अभी पूछा कि क्या आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे पहले, तो ऐसे उसमें भी एक सवाल होता था, और उसका वो जो जवाब देते थे वो ये देते थे कि भाई हम तो सोचते थे टॉपर बहुत असाधारण होंगे, तो लेकिन मेरा जवाब ये है कि मैं भी यही सोचता था, पर अब मैं भी वही जवाब दे रहा हूँ। देखिए कि मतलब जो जवाब उसमें लिखा होता था मैं भी वही बोल रहा हूँ कि टॉपर कोई असाधारण नहीं होते। हाँ, ज़रूर ये है कि वो थोड़ा सा स्किल डेवलप करते हैं अपना, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, नियमित तरीके से पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंसी की जो आपने बात कही, कुछ चीज़ें होती हैं वो करते हैं ऐसे, लेकिन इतना नहीं है कि वो कोई दूसरे ग्रह से आते कुछ हैं। चीज़ें उनको अलग बनाती हैं। हाँ, वो कुछ चीज़ें तो आपको मतलब कुछ चीज़ें ठीक तरीके से करनी ही होंगी ना किसी भी चीज़ को, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो सिस्टमेटिकली उसको करना ही पड़ेगा आपको। आपने जब तैयारी की तो आप सोचते थे कि आप टॉपर बनेंगे, या फिर ये था कि UPSC में सेलेक्ट भर हो जाए? नहीं, तैयारी के दौरान मुझे लगता है कि मतलब ऐसा करना भी चाहिए, और मैं ऐसा करता भी था कि दोनों एंगल से सोचता था मैं कि टॉपर बनूंगा तो क्या होगा, और नहीं बनूंगा प्लान ए प्लान बी टॉपर बनूंगा तो हो सकता है कि बहुत अच्छी रैंक आ जाए तो क्या प्लान रहेगा, और नहीं हुआ सिलेक्शन ही नहीं हुआ तब क्या प्लान रहेगा, तो वो दोनों तरह सोचता था। तो जब एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी जब उसकी तैयारी कर रहा था, तब ज़्यादा टॉपर के बारे में नहीं सोचता था, पर जब एग्ज़ाम दे दिया था उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अच्छा है सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, हो सकता है कोई रैंक भी आ जाए, पर ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाए। आप खुद नौकरी में भी थे, नौकरी में होने का एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा मिलता होगा, आपने कभी महसूस किया कि नौकरी में होने का भी एक फ़ायदा था कि एग्ज़ाम देकर आप बहुत कूल रहते होंगे कि ठीक है नहीं भी होगा तो एक नौकरी तो है? कम से कम उन लोगों के केस में तो ज़रूर मैं कहूँगा जिन्हें कहीं ना कहीं, जैसा मैंने अभी शेर में बताया था ना कि जब इनके सामने रोज़गार के मसले खड़े हों, या जिनको खुद को स्टेबल करना हो, एक सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, या परिवार को संभालना हो, बिल्कुल, तो ऐसे में नौकरी आपको मदद करती है, बशर्ते लेकिन नौकरी के साथ थोड़ा दोहरी मेहनत भी आपको करनी पड़ती है, पर फिर भी मैं कहूँगा अगर नौकरी से पहले भी आपने ठीक से तैयारी की है तो नौकरी के साथ आप रिवाइज तो कर ही सकते हैं, और आप तैयारी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको नौकरी करते हुए तैयारी जब आप कर रहे थे कि नौकरी भी चल रही है, तैयारी भी जी चल रही है, तो आपको लगता था कि ये नौकरी ही मुसीबत की जड़ बनती जा रही है, ऐसा नहीं? कोई नहीं, नौकरी तो मेरे को कॉन्फिडेंस ही देती थी। इनफैक्ट जब एग्ज़ाम चल रहे होते थे, मेंस भी चल रहा होता था, और हर रोज़ आपको ये ख्याल आता है, हर घंटे में आता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, ये बहुत कॉमन सी टेंडेंसी है, तो मैं सोचता था नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपना नौकरी तो कर ही रहे।
तो ये भी, लेकिन मेरे पर्सनल केस में है, कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि भाई नहीं, नौकरी ही बाधा भी बन जाती है कुछ लोगों के लिए। हाँ। सोचने का अपना अपना, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं नौकरी। हाँ। नहीं, कभी कभी छोड़नी पड़ती है। एक स्टूडेंट जब सिविल सर्विस क्रैक करने का सपना बुनता है, सबसे पहली बार तैयारी करने का सोचता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ से तैयारी शुरुआत करें, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसे तैयारी शुरू करें? मेरे ख्याल से तैयारी शुरू करने का सही समय, जो लगकर तैयारी शुरू करने का समय है, वो ग्रेजुएशन के बाद है। लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान भी थोड़ा सा एक जागरूकता, अवेयरनेस विकसित करने के लिए, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक मस्ट है, वो आपका एक दबाव में ना पढ़ के उसको एक रुचि की तरह पढ़ें, और थोड़ा सा जो अपनी 9वीं से 12वीं तक की NCERT किताबें, उनसे एक बेसिक आइडिया, उनको एक कहानी की तरह पढ़ते हुए प्राप्त कर लें, ताकि अपने को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट की एक बेसिक समझ हो जाए। उसके बाद मैं तो कहूँगा कि एक बार सिलेबस को अच्छे समझ लें, सिलेबस को बार बार पढ़ें, और कुछ पिछले सालों के, खासतौर पर पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों को एक बार देख लें, और उसके बाद समझें कि किस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो उससे काफ़ी हद तक मदद मिलती है, इस तरह शुरुआत की जा सकती है। यहाँ ये भी बात चलती है कि सिलेबस को समझने में, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन नहीं पढ़नी है, स्ट्रेटजी को समझने में, इसी में एक साल चला जाता है, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं नहीं, ये थोड़ा गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है, हम लोग इसी उलझन में, मैं तो आपको बताता हूँ, जब मैं दिल्ली आया था पहली बार, तो थैंकफुली मैंने शुरू में ही हिंदी साहित्य जब पढ़ा था, तो एक हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियाँ थी। हाँ। तो वो उन्होंने मुझे बहुत मदद की, जब मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता था कि स्ट्रैटेजी क्या हो, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं, असमंजस में है वो भोला भाला, और अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। क्या बात। तो तब मुझे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने से गड़बड़ हो जाएगा सब, तो कमोबेश एक राह पकड़ ली हो, कमोबेश सब कुछ कुछ पूरी तरह सब कुछ बढ़िया नहीं है, पूरी तरह सब कुछ खराब नहीं है, आगे तो बढ़ें। कई बार ये होता है कि इन डिसीजन इज ओफन वर्स देन रॉन्ग डिसीजन। बिल्कुल। NCERT की किताबों की बात करते हैं, NCERT की किताबों को फॉलो करना ज़रूरी होता है या फिर इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि एक बार, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होता, क्योंकि वो 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के हिसाब से होती है, तो उसमें बड़े बड़ा टेक्स्ट होता है और बहुत ज़्यादा लंबा समय उसको पढ़ने में नहीं लगता। तो मुझे लगता है एक बार सरसरी तौर पर उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है और पढ़ लेना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर बहुत उहापोह बनी रहती है कि क्या लें, कैसे तय करें, इंटरेस्ट के बेस पर तय करें या ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसके बेस पर तय करें? जी, आपकी क्या राय है और आपने कैसे किया था ऑप्शनल सब्जेक्ट को तय? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को तय करना एक ऐसी जंग है जो आपने, अगर आपने शुरू में अच्छे से तय कर लिया, तो आपको बार बार फिर वो चेंज करने वाली समस्या से नहीं गुजरना पड़ता। जहाँ तक मेरा केस है, तो मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा हिंदी मीडियम का भी रहा है, और हिंदी साहित्य मेरा MA और MPhil में भी रहा है, और NET GRF भी मैंने किया है, तो मुझे कोई डाउट नहीं था, मुझे पता था कि मुझे हिंदी साहित्य ही लेना है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है UPSC में कि हम अपने बैकग्राउंड का विषय नहीं चुनते हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो उस विषय से आपकी कितनी फैमिलियरिटी है, नज़दीकीपन कितना महसूस करते हैं। दूसरा, उसमें क्या आपको पढ़ने में सामान्य तौर पर इंटरेस्ट आता है, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि उसको काफ़ी गहराई से पढ़ना होता है हमको, तो थोड़ा इंटरेस्ट हो तभी उसको पढ़ा जा सकता है। तीसरा, फिर ये भी देखना ठीक रहेगा कि भाई उसमें मार्गदर्शन उपलब्ध है या नहीं, किताबें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, और उसका UPSC में प्रदर्शन कैसा चल रहा है, ये कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। न्यूज़पेपर्स को भी लेकर एक र्यूमर भी चलता है जी, कन्फ्यूज़न भी चलता है जी, तो न्यूज़पेपर्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कई लोग पूछते हैं कि द हिंदू पढ़ना ज़रूरी है या फिर इसका कोई सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो अपना आपका अनुभव और क्या राय है आपकी? सबसे पहली बात तो ये है, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है, कि न्यूज़पेपर एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप अंग्रेज़ी उतनी द हिंदू के स्तर की समझ पाते हैं तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, द हिंदू ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और भी मैं इसमें कहूँगा, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को एक कि भाई कथा है पूरी पढ़नी है, तो उसको वो कई बार शुरू से लेकर एंड तक, तो उसमें तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो उसमें अपने को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगता है कि UPSC के हिसाब से कौन कौन से हिस्से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रंट पेज हमेशा पढ़ना चाहिए,
पॉलिटिकल को थोड़ा कम भी पढ़ें चाहे, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल जरूर पढ़ना चाहिए, स्पोर्ट्स भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई सुधार हुए हैं या देश की कोई नई अचीवमेंट है, सरकार की योजनाएँ हैं, सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो देश का क्या है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर यहाँ आप उससे जोड़ते होंगे कि क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हैं उसको देखें, तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आसानी होती है। लेकिन जब कोई न्यूज़पेपर पहली बार पढ़ना शुरू करता है, ज़िंदगी में कभी पढ़ा नहीं, तो वो इन सवालों से दो चार होगा और मेरा इंटरव्यू देखेगा तो सोचेगा उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा था। लेकिन वो धीरे धीरे ही डेवलप होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप पहले दिन ही सोचोगे कि मेरे को आज ही पता चल जाएगा कि मेरे को अखबार में क्या पढ़ना है, तो वो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे बार बार, पिछले सालों के पेपर बार बार देखेंगे, खुद भी थोड़ा मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे, तो तब आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाएगा कि ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट में अगर वेटेज की बात करें तो न्यूज़पेपर के लिए कितना वक्त होना चाहिए? न्यूज़पेपर के लिए मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे का वक्त, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, केवल तैयारी ही समर्पित रूप से कर रहे हैं, तो 2-3 घंटे का वक्त आपको सुरक्षित रूप से देने में कोई समस्या नहीं है और देना भी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा उसको कैसे आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, यानी आप उसको कहीं पे नोट्स बना रहे हैं या तो, या कुछ लोग कटिंग भी काटते हैं। इसके अलावा एक मंथली मैगजीन आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जो न्यूज़पेपर की चीज़ों को आपको मंथली रिवाइज भी करा दे। आपने आज पढ़ा कि चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ, आपने उसको न्यूज़ में पढ़ा तो आपको एक दिमाग में बैठ गई बात, लेकिन उसके जो गहरे बिंदु हैं कि कैसी तकनीकी थी, क्या भारत से पहले कौन कौन से देश हैं जो चंद्रमा पर यान भेज चुके हैं, इस तरह की बातें मैगजीन आपको बता देती है और उन चीज़ों को पुष्ट कर देती है। तो मुझे लगता है वो एक बार मंथ के बाद रिवीजन हो जाता है तो वो अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाता है। अखबार की जो कटिंग वाली बात आपने बताई, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कटिंग्स रखी रहती हैं, अखबार भी रखे रहते हैं, मैगजीन्स भी रखे रहते हैं, ऊपर से स्टडी मटेरियल्स की भीड़ बढ़ती जाती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और मैं तो खूब देखता हूँ कि जो UPSC की खासतौर पर तैयारी कर रहे होते हैं लोग, उनके कमरे में जाने से भी लोग इसलिए कतराते हैं कि उस कमरे में एक बड़ा पुस्तकालय होता है तो उनको लगता है वो एकदम तनाव में आ जाते हैं कि भाई इतनी सारी किताबें पढ़नी होती हैं तो फिर कैसे करेंगे हम। और एक और समस्या रहती है, जब आप बाज़ार में निकलते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों का बाज़ार होता है, तो आपको लगता है एक देखो नया ये आया है तो ये भी ख़रीद लेते हैं, वो भी ख़रीद लेते हैं, तो इस तरह से करके वो बहुत सारी किताबें जमा हो जाती हैं, बहुत सारे नोट्स जमा हो जाते हैं और बहुत सारी पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर की कटिंग जमा हो जाती है। पर मुझे लगता है कि जैसे मैं कहता भी हूँ कि इट इज़ बेटर टू रीड 1 book for 10 times देन टू रीड 10 books for 1 time, यानी आप जो भी पढ़ें उसको थोड़ा बार बार पढ़ें, बजाय ये कि आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें तो उससे रिवीजन ठीक से नहीं हो पाता और बाद में चीज़ें ग्रेस्प ठीक से नहीं हो पाती। स्टडी मटेरियल का प्रेशर बनता होगा ना एक, उससे उस प्रेशर से को कैसे आप मैनेज करते थे, या फिर आप सलाह क्या देना चाहेंगे स्टडी मटेरियल के? तो ये सलाह दूंगा कि बहुत ज़्यादा फैलाने के बजाय आप चीज़ों को थोड़ा समेटें ताकि आपको परीक्षा के समय दिक्कत ना हो। पता चला अभी तो आपने खूब ये भी और वो भी बहुत सारे इकट्ठा कर लिया और बाद में जब परीक्षा से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आप पैनिक फील करने लगे, तो इसलिए बेहतर है कि पहले से उस दबाव को बढ़ाया ही ना जाए और काम की चीज़ें ही अपने रूम में रखी जाएं, दूसरों पर दबाव ना बनाया जाए और खुद पर भी और दूसरों पर भी, ये भी है। टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना या फिर मॉक इंटरव्यूज को लेकर एक चर्चा चलती रहती है, ये सब कितना ज़रूरी है, कैसे फ़ायदा पहुँचाता है? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू वाले खंड के लिए, तो ये बेसिकली दोनों ही मॉक हैं। ये आपको उन रियल टाइम सिचुएशंस में आप कैसे परफॉर्म करेंगे उसमें मदद करते हैं, और प्लस आपका राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि जैसे कई बार खुद को हम खुद ही ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ कमियाँ हैं जिन्हें अभी सुधारा जा सकता है। हालाँकि ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ लोग इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देने के बाद इतने तनाव में आ जाते हैं कि सही इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो लेकिन मैं फिर भी ये सलाह दूंगा, अपनी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू करने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप रोज़ एक टेस्ट दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर पढ़ेंगे कब, लेकिन टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि कई बार मॉक इंटरव्यूज़ देने के बाद भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ठीक ठाक पर्सनैलिटी होने के बावजूद, वैसे लोगों को क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे कि मॉक इंटरव्यू के रिजल्ट को इतना भी हावी ना होने दें अपने से? मतलब आप इतना भी वल्नरेबल मत बनिए कि कोई भी आपको कभी भी इमोशनल रूप से आप पे अत्याचार कर दे, तो इसलिए अगर किसी ने बताया भी है तो ठीक है, मतलब उसको दिल से ना लगाएं
और अगर कोई, क्योंकि बहुत कम समय होता है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा आमूलचूल बदलाव नहीं लाया जा सकता ना उसमें अपने पर्सनालिटी में, तो थोड़ा सा सुधारने में कोई बुराई नहीं है। आप खुद इतने डिबेट्स में भाग लेते रहे हैं, लिखते रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के क्रिएटिव शौक आपके हैं, आपको स्टूडेंट्स को कुछ कहना है कि इस तरह के क्रिएटिव जो आपके शौक हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि ये पूरी तैयारी में उनको मदद कर पाए? मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, कि एक तो क्रिएटिव शौक रखने चाहिए, इवन अगर आप क्रिएटिव के अलावा खेलना कूदना भी एक शौक होता है, अगर आपको खेलने का शौक है या एक्सरसाइज का शौक है जो भी आपको, तो आपको करना चाहिए, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था। हाँ। लेकिन ये सोचकर कि मैंने निशांत जैन का इंटरव्यू देखा था और उसमें उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखते तो मैं भी कविता लिखना शुरू करूं तभी आईएएस बनूंगा, तो ऐसा ना करें, अपने साथ इस तरह का मजाक ना करें। मतलब सबके अपने अपने शौक होते हैं, आप अपने शौकों को तलाश करें और उनको डेवलप करें बजाय इस दबाव में आने के कि चूंकि टॉपर्स के बहुत सारे शौक होते हैं इसलिए मेरे भी बहुत सारे मल्टीपल शौक होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिखने की प्रैक्टिस को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं जी, पढ़ना एक अलग मुद्दा है लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ये एक अलग कला है, तो लिखने की प्रैक्टिस करना इस एग्ज़ाम के लिए कितना वेटेज रखता है, कितना बड़ा मुद्दा है? मुझे लगता है कि लिखने की प्रैक्टिस का कोई विकल्प ही नहीं है, आपको लिखना ही होगा। जितना आप सोचते हैं कि लिखने में सबसे बड़ी समस्या होती है आलस्य, आपको लगता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, भाई मुझे तो अच्छा लिखना आता ही नहीं, मैं लिखूंगा तो लोग हंसेंगे, तो इस तरह की चीज़ों के चक्कर में हम लिखना शुरू नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लिखना शुरू कर देते हैं, मैं लिखकर आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जब लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कभी किसी को दिखाते हैं या खुद भी सेल्फ असेसमेंट, अपने आप ही उसमें सुधार आने लगता है, गुणात्मक सुधार आता है और कुछ महीनों के बाद आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं अच्छा लिखने लगे हैं। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस से जी ना चुराएं, और ऐसा भी नहीं कि आप मतलब बिल्कुल तनाव में ही आ जाएं और रोज़ जितना पढ़ें उससे लिखना शुरू कर दें, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है। एक अनुपात बना कर रखें पढ़ने और लिखने, और ख़ासतौर पर मैं एक जनरल बात तो कहूँगा कि आप हफ्ते में 15 दिन में एक आधा निबंध जरूर लिखें, क्योंकि निबंध लिखने से क्या होता है कि एक ओवरऑल राइटिंग स्किल डेवलप होता है, और कैसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को लिखना है ये निबंध की कला हमें सिखाती है, तो निबंध आप लिखते जाएंगे तो वो ओवरऑल भी आपके हर चीज़ में राइटिंग स्किल में काम आता है। ये निबंध लिखना एक उसमें लंबा स्क्रिप्ट लिखना होता है, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ स्क्रिप्ट जी, और जब आप आंसर लिखते हैं तो उसकी डिमांड 200 से 250 शब्दों की होती है, तो क्या इसमें कोई स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि इस तरह से लिखना है और लंबा लिखना है, दोनों में अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी के साथ साथ आप देखेंगे उसकी मांग का भी अंतर होता है, जैसे निबंध के प्रश्न पत्र में विषय भी ऐसे होते हैं जिन पे बहुत काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है, इनफैक्ट कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जिन पे शायद पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन जो जीएस के प्रश्न होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं, तो उसमें बहुत लंबा लिखने का स्कोप होता भी नहीं है, और 200 शब्दों में तो लिखवाने का मुझे लगता है कि आप कैसे जो भी आपको जानकारी है 200 शब्दों में उसका उत्तर देना है, तो आप कैसे उस जानकारी को समेट कर समग्र रूप में सारे पक्षों को साथ रखते हुए लिख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कला है कि कॉम्पैक्ट रूप में कैसे उसको प्रस्तुत करना है, और यही सीखना राइटिंग स्किल है, जो कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है और जो अभ्यास से सीखी जा सकती है, सीखी जा सकती है। मीडियम को लेकर भी बहुत हो हल्ला मचा रहता है, क्या आपको वाकई लगता है कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है? पता नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा ना तो कभी खुद लगा, क्योंकि मैं जब भी तैयारी करता था उस समय तो बल्कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट शायद और भी ख़राब था, लेकिन तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अगर मेरा हिंदी मीडियम है तो मुझे कोई नुकसान होगा, शायद इस सोच ने या इस जिंदा दिली ने मेरी मदद भी की होगी, पर मैं सामान्य तौर पर अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम को कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है, और जो शिकायतें हमारी पहले हुआ करती थी कि भाई स्टडी मटेरियल नहीं है, पत्रिका नहीं है, अखबार नहीं है, वेबसाइटें हिंदी में नहीं है या यूट्यूब पर हिंदी में नहीं मिलता है, वो शिकायतें अब कमोबेश दूर हो गई हैं, सरकार के भारत सरकार के जितने भी प्रकाशन हैं जितने भी वो सब तो हिंदी में हैं ही, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड पब्लिशर्स हैं प्रकाशक हैं या जो उन्होंने सब ने क्या किया है कि अंग्रेज़ी की किताबों का अंग्रेज़ी के मटेरियल का बहुत प्रामाणिक और अच्छा अनुवाद भी आने लगा है, और सब बहुत बहुत अच्छा कंटेंट भी अब हिंदी में उपलब्ध होने लगा है, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में कई बार शिकायत रहती है लेकिन मुझे लगता है कि अब ओवरऑल बड़ी शिकायत अब नहीं रही है माध्यम की, बस आप वही माध्यम चुनें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और जिसमें आप अच्छे से खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल,
कंटेंट को लेकर आजकल डिजिटल युग में एक और समस्या खड़ी हुई है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म पे चीज़ें उपलब्ध हैं जी, कि हमसे जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करते हैं कि कैसे चुनें कि क्या पढ़ना है, इतने सारे साइट्स हैं, किसको किसको फॉलो करें, ऐसे में क्या राय देंगे आप? ये आपने बहुत ज़्यादा रिलेवेंट सवाल पूछा है। एक्चुअली अब इस समय हम जैसे होता है ना कि इस समय हम बहुत ज़्यादा अति सप्लाई की समस्या से ग्रस्त हैं। हमारे पास समय कंटेंट की बहुलता है, हमें ये चुनना होता है कि कैसे उसमें से क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, या कौन सा वीडियो देखें कौन सा नहीं देखें। बिल्कुल। तो उसके कहीं ना कहीं आपको सीमा तो तय करनी पड़ेगी। एक इन जनरल भी आप देखेंगे कि आज के दौर में कंसंट्रेशन की कमी बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया के कारण कह लो, या हम मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो पता चला हर 10 मिनट में हर 15 मिनट में मोबाइल की ओर देखते हैं, जो नया टिक टिक होती है उसको देख लेते हैं, तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ी है कमी की। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जब अपनी रणनीति बनाएं तो हर सेगमेंट के लिए एक अच्छा प्रामाणिक मटेरियल चुन लें और उसको फिर रिवाइज करें। और करंट अफेयर्स के लिए कुछ एक न्यूज़पेपर एक मैगज़ीन, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं बजाय 4 न्यूज़पेपर और 6 मैगज़ीन पढ़ने के। जाते जाते आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल पूछते हैं, बहुत कम में इसका जवाब देना है जी। सबसे पसंदीदा खाना? सबसे साउथ इंडियन। साउथ इंडियन। सबसे पसंदीदा जगह? जगह इंडिया। इंडिया के भीतर भी अगर मैं पूछूं तो? इंडिया के भीतर अपना होम स्टेट। होम स्टेट। पसंदीदा कविता? पसंदीदा कविता राम की शक्ति पूजा निराला की। और कवि? निराला। शिक्षक? शिक्षक मेरे पूर्व प्राचार्य। गज़ल तो हमने आपसे पूछ लिया था, गज़ल से अलग गाने में कोई चॉइस आपकी? नहीं, गाने मेरी कोई चॉइस नहीं है, ना मैं गाता हूँ ना मैं अच्छा गाता हूँ, लेकिन एक लाइन में जरूर। ये आप इस डर से तो नहीं बोल रहे हैं कि फिर से गाना गाने के लिए हम बोल देंगे? नहीं नहीं, आप भले ही मत बोलिए, लेकिन मैं एक लाइन एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूर कहूँगा। हाँ। जो मुझे गाना बहुत पसंद और मुझे भी मोटिवेट करता था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। शानदार। फिल्म आपकी पसंदीदा कौन सी है? फिल्म अभी हाल फिलहाल में तो बरेली की बर्फी। हाल फिलहाल वाले में और पुराने वाले में याद करना पड़ता है? याद करना पड़ता है, क्योंकि आपने बता दिया है कि फिल्म का पुरानी फिल्म तो में ज़्यादा देखी भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ। और पसंदीदा गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं कोई नहीं है। चलिए निशांत, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब एक नए सफर पे हैं, नए तरह की चुनौती है, और हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप अपने इस चुनौती को भी उसी तरह से जीतिए जैसे आज तक आप जीतते आए हैं। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ निशांत जैन। अगले एपिसोड में हम फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ आपके साथ मिलेंगे जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हों, यूपीएससी के प्रिपरेशन में जिन्होंने कमाल कर दिया हो, और जो वाकई कहलाते हैं टॉपर। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इंतज़ार कीजिए अगले प्रोग्राम का।